भाई गुड मॉर्निंग है सबको। लवली वेंसडे मॉर्निंग। वेलकम। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का जेई नीट लेक्चर शुरू होने वाला है सबको। हाँ कुछ कहना है? कुछ कह रहा था कोई? अरे गुड मॉर्निंग है भाई। गुड मॉर्निंग हो गया ना? चाय नाश्ता सब हो गया? हो गया ठीक है। ओके ये चैप्टर हमने काफी डिटेल में देखा था इन द बोर्ड लेक्चर्स। इसमें कुछ नया नहीं है, बस चीजों को थोड़े फास्ट सॉल्व करने की हमको प्रैक्टिस की जरूरत है, जो इसमें हम करेंगे, कोशिश करेंगे थोड़ा फास्ट करने की। द आइडिया स्टार्टेड विद ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को कोई भी थियरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी या थर्मोडायनेमिक थियरी एक्सप्लेन कर पाई नहीं। तो एक्सप्लेन करने के लिए प्लैंक ने अवतार लिया, और प्लैंक की हाइपोथीसिस के हिसाब से यू नो ऑल दैट एनर्जी दैट इज कमिंग आउट इज कमिंग आउट इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स विच आर कॉल्ड क्वांटा, एंड द एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, द एनर्जी कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स और पैकेट्स कॉल्ड क्वांटा। यू नो दिस इज प्लूरल फॉर क्वांटम, सिंगुलर इज क्वांटम। द एनर्जी ऑफ वन क्वांटम is E is H nu, the energy of each quantum, each packet, E is H nu, and nu is the frequency, and everybody knows, I think, nu is C by lambda, and as a result, the energy for n quanta, if there are n photons, you know, each quanta is also called photon. So for n photons, somebody has got a hot mic. भाई किसका माइक चालू है यार? किसी का तो चालू है। तो एनर्जी ऑफ एन फोटॉन्स, एन फोटॉन्स इज एन एच नू या एन एच सी बाय लैम्ब्डा। दिस इज इक्वेशन वन, दिस इज इक्वेशन टू। नाउ बिफोर आई मूव ऑन, ये बता दूं आपको कि प्लैंक ने सबसे पहला ये जो रेडिएशन है उसको पैकेटाइज किया, उसको क्वांटाइज किया, उसको पार्टिकल के रूप में पेश किया। सो यू नो ही सेड, हाइगन्स ने कहा था लाइट इज अ वेव, यू नो ही गेव अस द वेव थियरी। दिस गाय गेव अस द पार्टिकल थियरी कि लाइट इज ऑल्सो मूविंग इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, यू नो विच आर कॉल्ड फोटॉन्स। तो ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन की शुरुआत इधर से हुई। वेव थियरी तो थी ही, साथ में पार्टिकल नेचर भी सामने आया इसका। उसके बाद लेट्स गो टू एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी नीड टू हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। आई अज्यूम यू आर अवेयर ऑफ वॉट इज वर्क फंक्शन। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एटम के अंदर बाउंड है, यू नो अट्रैक्टिव फोर्सेस की वजह से बाउंड है, थोड़ी एनर्जी से पकड़े गए हैं। अगर उनको लिबरेट करना है तो इतनी एनर्जी हमको मिनिमम सप्लाई करनी पड़ेगी। सो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इज कॉल्ड वर्क फंक्शन, एंड इट इज डिनोटेड एज फाई। वर्क फंक्शन डिनोटेड एज फाई। यूजली वर्क फंक्शन ईवी में दिया जाता है, खासकर जूल में होता है, पर जूल में क्वांटिटी बहुत छोटी हो जाती है तो हम उसको ईवी में यूज करते हैं। ऐसा यूनिट इज ईवी, एंड आई एम श्योर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आई एम श्योर एवरी वन नोज वन ईवी इज 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल। वेल वर्स्ट, वी आर वेल वर्स्ट विद दिस आइडिया। सो दिस वॉज वर्क फंक्शन। अब इलेक्ट्रॉन को निकालने के ऐसे कितने तरीके हैं, तो आई विल नॉट गो इन टू ग्रेट डिटेल, आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडियाज बिकॉज वी हैव सीन द डिटेल इन द बोर्ड चैप्टर। द फर्स्ट वे इज थर्मियोनिक एमिशन। हीट एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन को, थर्म मतलब हीट, तो हीट एनर्जी दो इलेक्ट्रॉन्स को, एंड वो इलेक्ट्रॉन्स वो हीट एनर्जी लेके बाहर आ जाएंगे। सो दोज इलेक्ट्रॉन्स दैट कम आउट आर कॉल्ड थर्मियॉन्स। So this is thermionic emission. The second is field emission.
when you apply a very large electric field of the order of 10 raised to 8 volt per meter or something like that, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पे बहुत बड़ा फोर्स पड़ता है और बॉन्ड तोड़ ताड़ के वो बाहर आ जाता है. तो द इलेक्ट्रॉन्स दैट कम आउट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ अ वेरी लार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड फील्ड एमिशन. द थर्ड, वी हैव नॉट सीन दिस बिफोर, नेवर वी हैव इवन हर्ड अबाउट इट, इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन. सेकेंडरी एमिशन का मतलब है तुम एटम पे हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स बॉम्बार्ड करो और वो हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स बॉम्बार्ड करने से वो बॉम्बार्डमेंट कुछ एनर्जी देगी इलेक्ट्रॉन्स को, वो इलेक्ट्रॉन्स निकल के नॉकआउट होके बाहर आ जाएगा. तो दैट टाइप ऑफ एमिशन इज कॉल्ड सेकेंडरी एमिशन. बट व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन इज द लास्ट टाइप ऑफ एमिशन व्हिच इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन. एंड ये हमारा आने वाला टॉपिक होगा, ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सुपरस्टार है इस पूरे का. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या होता है, लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू वंस अगेन. व्हाट वाज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, यू कैन जस्ट हैव अ लुक. ये दो इक्वेशंस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट, वी विल रिटर्न बैक टू दीज इक्वेशंस व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड. सो यू नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज अ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ एमिशन, इन तीनों से काफी अलग है. फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन सबसे पहले 1887 में हाइनरिक हर्ट्ज ने डिस्कवर किया था. ही सॉ दैट व्हेनेवर लाइट ऑफ सफिशियंटली हाई एनर्जी, सफिशियंटली हाई फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ क्लीन सरफेस, दिस वॉज हर्ट्ज़'s आइडिया. सो ये क्लीन सरफेस है एंड इसपे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ रहा है सफिशियंटली हाई फ्रीक्वेंसी का. तो व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फॉल्स ऑन दिस सरफेस, ही सॉ दैट इलेक्ट्रॉन्स कम आउट ऑफ दिस सरफेस. सो फॉलिंग ऑफ रेडिएशन एंड कमिंग आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक ब्रेकअप. फोटोस मीन्स लाइट, इलेक्ट्रॉस मतलब इलेक्ट्रॉन्स. लाइट पड़ने से इलेक्ट्रॉन्स का निकलना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स. दिस सरफेस is called a photosensitive surface and this is your electromagnetic radiation. So sufficiently high frequency hona zaruri hai. And Hertz ne is idea ko dekh karke fir bahut sari experiments logon ne ki, Lennard ne experiment ki, Hall Wax ne experiment ki and bahut sari cheezon se humko kafi gyan hasil hua इस पर्टिकुलर इफेक्ट के बारे में. तो वो सारा ज्ञान आगे बढ़ाएंगे, लेट अस सी. बहुत सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस करी थी बोर्ड में, इसमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज द मेन आइडिया इज इंपॉर्टेंट एंड अलॉन्ग विद दैट द इलेक्ट्रॉन्स क्या इक्वेशंस आर इंपॉर्टेंट. इलेक्ट्रॉन्स तो इंपॉर्टेंट है, उसके बगैर तो कैसे होगा. तो इक्वेशंस को यूज करना सीखेंगे और बेसिक आइडिया के साथ हम आगे बढ़ेंगे. सो ये सारी लेनार्ड की एक्सपेरिमेंट, हॉल वैक्स की एक्सपेरिमेंट, पहली बात तो ये थी कि कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन्स ही निकले. सो वी कनेक्टेड एन इलेक्ट्रोस्कोप एंड वी सॉ दैट जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इंसिडेंट होता है तब ये प्लेट का चार्ज और पॉजिटिव होता जाता है. इसका मतलब ये है कि इसमें से नेगेटिव वाला बाहर निकल रहा है. सो नेगेटिव में क्या बाहर निकल सकता है, ओनली इलेक्ट्रॉन्स. सो दैट वॉज हाउ इट वॉज सीन एंड देन द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट जिससे हमको काफी अलग अलग चीजों के बारे में कितनी काइनेटिक एनर्जी है, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल है, सब क्या होता है वो देखने का तरीका मिलता है. दिस इज द एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट. सो आई एम पुटिंग दिस इन एन इवैक्यूएटेड ट्यूब, आई हैव गॉट दिस फोटो सेंसिटिव सर्फेस एंड वेरी बैड सर्फेस. सर थोड़ी तो अच्छी सर्फेस बना लेते हैं यार. ओके, आपके लिए अच्छी सर्फेस बना रहा हूं. Okay, this will work. Okay, and I am giving it a small potential difference. This is your collector, which is going to collect your electrons. And यहाँ पे एक galvanometer रखा, you can also call it a microammeter. And initially, what I am doing is, I am giving a positive charge to this collector, a positive potential to this collector. And this is hole in an evacuated tube. Okay, I'm not drawing the tube.
यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पड़ रहे हैं एंड फ्रॉम दिस सेंसिटिव सरफेस इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू कम आउट एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स रीच द कलेक्टर बिकॉज दिस इज पॉजिटिवली चार्ज सो दे रीच द कलेक्टर कलेक्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड एज अ रिजल्ट यहां पे करंट कंस्टिट्यूट होता है. ओके सर व्हाट इफ मैं ये पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाता जाऊं. वेरी गुड व्हेन यू इंक्रीज द पॉजिटिव पोटेंशियल हियर सो दिस कलेक्टर बिकम्स मोर पॉजिटिव एंड इट इज एबल टू अट्रैक्ट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. धीरे धीरे वो अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा. एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रीचिंग द कलेक्टर विल ऑल्सो इंक्रीज द करंट द फोटो करंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल ऑल्सो इंक्रीज बट दिस हैपन्स ओनली टिल अ सर्टेन लिमिट. एट वन पॉइंट सारे इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं एंड अब अट्रैक्ट करने के लिए कोई नहीं बचा. करंट मैक्सिमम हो चुका है. इसके आगे अगर तुम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा भी देते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. मैक्सिमम करंट आ चुका है. ऑलराइट सो दैट इज हाउ मैक्सिमम करंट इज रीच्ड. देन व्हाट आई डू इज मैं थोड़ा सा सेटिंग चेंज करता हूं. क्या सेटिंग में चेंज करता हूं? मैं अब कलेक्टर को आई गिव इट अ नेगेटिव पोटेंशियल. ओके सर नेगेटिव दोगे तो ये कलेक्टर रिपेल करना शुरू कर देगा. बिल्कुल कर देगा. इट विल स्टार्ट रिपेलिंग इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज नाउ द कलेक्टर इज एट अ नेगेटिव पोटेंशियल. तो दिस विल स्टार्ट रिपेलिंग इलेक्ट्रॉन्स. ओनली दोज इलेक्ट्रॉन्स विच हैव एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मोर देन द नेगेटिव पोटेंशियल विल बी एबल टू रीच द कलेक्टर. अब मैं धीरे धीरे इसका नेगेटिव पोटेंशियल भी बढ़ाता जाता हूं. तो डू यू अग्री रिपल्शन और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है और इलेक्ट्रॉन्स आने की जो नंबर है वो कम 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 होता जा रहा है. एट वन पॉइंट मेरा नेगेटिव पोटेंशियल इतना ज्यादा है कि कोई इलेक्ट्रॉन मुझ तक पहुंच नहीं पा रहा. मैं कलेक्टर हुआ कोई इलेक्ट्रॉन कलेक्टर तक पहुंच नहीं पा रहा. दिस नेगेटिव पोटेंशियल मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल at which of the collector at which no electron is able to reach the collector. Now I have that much energy ki wo koi bhi you know maximum kinetic energy leke aa raha hoga nahi aa payega main rok dunga usko. So this negative potential of the collector at which no electron is able to reach the collector is called stopping potential. So the minimum negative potential of the collector, I'm just reiterating the important points, at which no electron reaches the collector is called stopping potential. And let us look at the most important, one of the most important equations for stopping potential. Stopping potential is denoted as V0. And V0 का इक्वेशन कैसे आएगा कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल. देयरफॉर पीपल हेड्स अप इक्वेशन ऑन द वे के ई मैक्स इज EV0. वेरी लवली इक्वेशन दिस वेरी लवली आइडिया. मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू EV0. ओके तो ये हमने पहला आइडिया लेकर के पोटेंशियल को चेंज करके स्टॉपिंग पोटेंशियल का आइडिया लिया. आगे बढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं. ओके अच्छा इंटेंसिटी को चेंज करते हैं. चलो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आ रहा है इफ यू गो ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी यू विल सी दैट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स गोज ऑन इंक्रीजिंग. एज अ रिजल्ट the photoelectric current also goes on increasing. So very important second point. This was the first point. Yeah, second point. On increasing intensity of the incident EM radiation, the number of photoelectrons which are coming out from the surface, the number of photoelectrons liberated increases. Hence, the photo current, photoelectric current also increases. अच्छा
ऐसा क्यों? When you make this radiation more intense, that means more photons are coming now per unit time, and more photons per unit time will go and liberate more electrons, and as a result, number of electrons liberated will go on increasing. So intensity को बढ़ाने से number of photo electrons बढ़ेगा and hence photoelectric current. Because I'm sure you know I is Q by T, n Q is any. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो फोटो करंट भी बढ़ेगा. सो विच गिव्स मी अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया दैट नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया दिस. अब फ्रीक्वेंसी के साथ थोड़ा खिलवाड़ करते हैं, फ्रीक्वेंसी के साथ थोड़ा चेंज करते हैं. आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑफ नाउ. ऑलराइट, यू जस्ट हैव अ लुक. फ्रीक्वेंसी, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी. ओके, नाउ इंटेंसिटी को सेम रख रहा हूं, फ्रीक्वेंसी को चेंज करता जाता हूं. अगर इस इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी घटाता जाता हूं मैं, टू माय सरप्राइज नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स में कोई कमी नहीं होती, कोई कमी नहीं. ऑलराइट, इट विल नॉट change the amount of photo electron, number of photo electrons reaching the surface, or it will not change the the photoelectric current which is being recorded by this microammeter. तो सर क्या change होगा? Frequency को घटाने से इन electrons की kinetic energy घटेगी श्रीमान. So इस frequency को घटाने से the kinetic energy of these photoelectrons will decrease. So on decreasing frequency nu of incident light, ab bar bar electromagnetic radiation bolne ki zarurat nahi, light chalega, the maximum kinetic energy of the photoelectrons decreases, and a very very shocking result is awaited. मैंने और घटाया और घटाया और घटाया, एक पॉइंट पे आके मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी हो गई कि अब यहां से एमिशन हो ही नहीं रहा है. मैंने एक फ्रीक्वेंसी मैं घटाता गया, तो एक पॉइंट पे आके आई सॉ कि मेरी फ्रीक्वेंसी ऐसी हो गई कि नाउ नो इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट ऑफ दिस सरफेस. इन शॉर्ट, आई हैव गॉन बिलो that minimum frequency that is required for photo emission. That frequency, the minimum frequency that is required for the surface to start emitting electrons is called threshold frequency. So at one frequency, no emission is seen. So it is implied that seen. So it is implied कि minimum frequency required for emission is threshold frequency. Thus, minimum frequency required for emission of electrons, चाहे तुम्हारी light तेज हो, intense हो, ना intense हो, फर्क नहीं पड़ता. But emission का condition यही है कि your frequency has to be greater than threshold frequency. I am taking this off now. So what did I say? Minimum frequency required for emission is threshold frequency, and the most important condition for emission is that the incident frequency has to be greater than threshold frequency. The minimum frequency required for emission is called threshold frequency, and which is denoted as nu zero. So the condition for emission, the only condition for photoelectric emission, बस तुम्हारा ये condition satisfy हो तो emission होगा. Light की intensity कम हो या ज्यादा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, but ये condition satisfy हो जाए तो आपका काम फटते हैं कि the incident frequency has to be greater than or equal to
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ओनली कंडीशन, एंड मैं इंक्रीज करता गया फ्रीक्वेंसी तो तुम्हारा ये क्या बोलते हैं उसको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता गया. सो इट शेयर्स अ डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड दस मैं इसको भी लगा डालूंगा मैक्सिमम के ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन. सो इफ यू रिमेंबर यही साइड पे लास्ट बोर्ड में लिखा था कि द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट. सो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंडेंट ऑन इंटेंसिटी, जबकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी. एंड आई शुड राइट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इफ योर इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन ऑर इक्वल टू नू, आपका कंडीशन सैटिस्फाई हो रहा है, देन फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी एमिटेड within 10 raised to minus 9 second are emitted within 10 raised to minus 9 second of light being incident on the surface. Within 10 raised to minus 9 seconds is a very important idea. और इन्हीं छोटे छोटे ideas की वजह से जो wave theory है वो photoelectric effect को explain नहीं कर पाई. Because according to wave theory, your kinetic energy वगैरह depends on amplitude, which depends on intensity. तो अगर intensity तुम बढ़ाते हो तो amplitude बढ़ता है, amplitude बढ़ता है तो kinetic energy बढ़नी चाहिए. So ये जो तुम्हारा experimental result आ रहा है कि kinetic energy depends on frequency, that thing could not be explained using wave theory. Also wave theory ये कहती है कि light आएगी, सारे electrons में बटेगी, धीरे 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 सब मिल बांट के खाएंगे, एंड दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट्स अ स्लो प्रोसेस. सो द कमिंग आउट ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम. जबकि यहां पे लिखा है कि अगर नू ग्रेटर देन नू जीरो हो, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन 10 रेस टू माइनस 9 सेकेंड में सेंसिटिव सर्फेस से बाहर आ जाएगा. दिस इज गोइंग टू बी एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, दिस इज एक्सपेरिमेंटली सीन. तो इन सब चीजों की वजह से वेव थियरी could not explain photoelectric effect. That's a very important idea. Now let's go to Einstein's idea, Einstein's explanation. So we are now talking about Einstein's explanation, a very important idea. And इस idea को लेकर के majority numerical solve होंगे. Einstein ने ये कहा था, he explained photoelectric effect in his own way. He said, Planck had said that light, energy is emitted in the form of photons. Einstein said energy is not only emitted, it is also absorbed in the form of photons. Matlab jana bhi photon ke roop mein hota hai, aana bhi photon ke roop mein hota hai. And not only that, the maximum kinetic energy of the photoelectrons is equal to the total energy of incident light minus the work function. Bahut hi umda equation tha ye, and as a result we get therefore ke max is the energy of a photon of frequency nu is h nu minus work function is phi. As I said, work function is the most important idea. I think humne is bare mein kafi baar discuss bhi kari thi ki it was like somebody is going to watch a movie. Agar ticket ka bhav 30 rupaya hai and the person has only 20 rupees, 30 rupees, 30 rupees. If he has only 20 rupees in his pocket, he will not be able to watch that movie. So, agar aapka nu less than, nu zero hai, to you will not be able to get emission. On the other hand, suppose aapke paas exactly 30 rupees hai in your pocket, you will be able to watch the movie without any nashta, without any snacks, without any drinks. Only watch the movie. So, if nu is equal to nu zero, your kinetic energy will be zero. तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, बस आ गए हो बाहर, emission हो गया, but बंदे के पास कोई energy बची नहीं है. And on the other hand, suppose you have 100 rupees in your pocket, you're a rich man now. 30 रुपए ticket है, 30 rupees is the ticket of the movie, price of the movie ticket. You have got 100 rupees in your pocket. You pay 30 rupees as ticket, you go inside, you make merry hell with 70 rupees. Christmas आ गया आपका, 15 अगस्त है, enjoy करो. 70 rupees है, बहुत कुछ कर सकते हो आप. So
अगर आपका नू मच ग्रेटर देन दिस है तो काफी काइनेटिक एनर्जी आपके पास होगी. सो दिस वन इक्वेशन डिफाइंस एवरीथिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट. सो अब पहली बार वर्क फंक्शन यहां पे दिखाई दे रहा है, तो वर्क फंक्शन का भी एक इक्वेशन हम देख लेते हैं. वर्क फंक्शन फाइ इज एच नू जीरो, वेयर नू जीरो इज बट ऑफ कोर्स कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ओके, सो योर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, यू नो यू कैन राइट काइनेटिक एनर्जी मैक्स एज हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर. एक और इक्वेशन देता हूं ये, सो इट इज एच नू माइनस एच नू जीरो. ऑल्सो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि के ई मैक्स इज ई वी जीरो, ऑल्सो के ई मैक्स इज ई वी जीरो. तो इसकी जगह मैं ई वी जीरो लगा दू, व्हाट एम आई गोना गेट? सो ई वी जीरो, लवली इक्वेशन, लवली इक्वेशन बरस रहे बाबू जी, ब्यूटिफुल. एंड आई एम गोइंग टू टेक ई डाउन हियर, सो फाइनली व्हाट डू आई गेट? सो वी जीरो इज एच बाई ई ब्रैकेट में नू माइनस नू जीरो, विच प्रॉम्प्ट्स मी टू राइट दैट इन अ ग्राफ ऑफ वी जीरो वर्सेस नू द स्लोप इज एच बाई ई एंड द इंटरसेप्ट ऑन द नेगेटिव साइड इज एच नू जीरो बाई ई. सो इन अ ग्राफ of v0 versus nu, the slope is h by e. Here h is Planck's constant, value 6.63 into 10 h to minus 34 joule second. E is the charge on electron, 1.6 into 10 h to minus 19 coulomb. And its intercept on the negative axis, is एच नू जीरो बाई ई. और ये एच नू जीरो क्या है? इज़न्ट इट फाइ फाइ बाई ई. अच्छा, जस्ट एन आइडिया, इफ आई वर टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वर्सेस नू, व्हाट डू यू थिंक वुड बी द स्लोप? व्हाट? एच, डू यू अग्री द स्लोप वुड बी एच? इज इट अग्रीएबल? Yes, sir. Yes, sir. All right. So that's lovely. So in a graph, remember this, in a graph of K max versus nu, the slope is h. कोई भी के मैक्स के साथ नू का फिट कर दो, स्लोप हमेशा h ही आएगा. And what do you think would be the intercept on the negative axis? Phi. And the intercept on the negative axis is phi. Bhai, do not forget to mention that both these graphs would be straight lines. Huh? They would be straight lines. Alright? Or straight line phir niche aayegi aur negative axis pe aake touch karegi. Something like this. Aur phir yahan aake tak 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 is tarah touch karegi. This is going to be your negative intercept. सपोज ये के ई मैक्स और ये नू, तो इस लाइन का स्लोप होगा एच एंड इसका नेगेटिव इंटरसेप्ट होगा फाइव. डू यू अंडरस्टैंड? आई होप इट्स नॉट टू डाउन बिलो कि आपको दिखाई ना दे, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है. ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज. दिस वाज आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन. एंड आगे बढ़ते हैं, यही इक्वेशंस यूज होंगे खासकर. एंड आगे बढ़ते हैं, नाउ वी गो ऑन टू the practical application of photoelectric effect is given in a photo cell. And photo cell ke applications mein intruder alarm, automatic street lighting and all, ye sari cheeze usi idea pe nirbhar kar rahi hai ki when intensity changes, number of photoelectrons changes and uski wajah se the photoelectric current also changes. To ye sari baat hai, usi cheez ko exemplify karti hai. Okay, so let's go on. I think it's important to look at the second part of the chapter now, which is called De Broglie's idea. A lovely idea. People call him De Broglie, but it's De Broglie, Louis Victor De Broglie. Okay, what did De Broglie say?
डिब्रॉय ने स्टडी किया था ये सारे इफेक्ट्स को एंड ही केम टू द कंक्लूजन कि जैसे रेडिएशन हैज गॉट ड्यूअल नेचर, इट हैज गॉट वेव नेचर विच इज एग्जाम्पलीफाइड बाय डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एक्सेट्रा, एंड इट हैज गॉट पार्टिकल नेचर विच इज सीन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्प्टन इफेक्ट एक्सेट्रा, तो मैटर को भी दोनों टाइप का नेचर दिखाना चाहिए. सो दैट वॉज डी ब्रॉयज आइडिया कि सिमिलर टू रेडिएशन शोइंग ड्यूअल नेचर, मैटर शुड, यू नो ऑलरेडी मैटर एग्जिबिट्स पार्टिकल नेचर बट इट शुड ऑल्सो एग्जिबिट वेव नेचर. मैटर should exhibit wave nature also alongside particle nature. Now the most important was, suppose a matter particle of mass m is moving with a velocity v, then if it were to behave as a wave, what would be the wavelength of this particular particle? So consider a matter particle of mass m moving with velocity v. Its wavelength, which is called de Broglie wavelength, lovely equation, one equation which will change everything, its de Broglie wavelength is lambda is h by p, which is h by mv. Okay, lambda is h by p, which is h by mv. And I am giving you other equations also, which give us de Broglie wavelength. So if kinetic energy of the particle is k, then I have derived all those in detail in the board lectures. The kinetic energy is p square by 2m, so you get p is root of 2mk. So ye p ki jagah 2mk, root of 2mk laga do, so my de Broglie equation becomes lambda is h by root of 2mk. This is equation number 2. Now if a charge q is accelerated by potential difference v, ye dot upar kyun chad gaya, then do you remember the kinetic energy of such a particle is qv? Are you all there? Okay, yeah, I got 1.5 minutes left. So the kinetic energy of such a particle is qv, and as a result, you know, k is qv, which is p square by 2m. Par aisa dhanda karne ki zarurat hi nahi, jahan k hai wahan qv dal deta hu, and मस्त मगन मन, मस्त मगन तेरा इक्वेशन लहराए 2mqv. एंड फाइनली फॉर अ गैस मॉलिक्यूल, फॉर अ गैस पार्टिकल एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टी, भाई व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सच अ पार्टिकल? डू यू रिमेंबर? इट इज 3/2 kBT. तो यहां पे k की जगह 3/2 kBT लगाऊं, 2 उड़ जाएगा, तो लैम्ब्डा, अच्छा k इज 3/2 kBT, kb इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, सो यू गेट लैम्ब्डा इज h बाय रूट ऑफ 3m kBT. ऑलराइट, सो दीज आर द 1, 2, 3, 4 इक्वेशंस जो बदल देंगे आपकी दुनिया. हैव अ गुड लुक, हैव अ गुड लुक. Okay. अच्छा, also Davison Germer की experiment inadvertently proved कि electrons also exhibit wave nature. You know, electrons come out from that gun, they strike the nickel crystal, and then you know, gun से लेकर crystal तक they were moving like particles. But after striking the particles, striking the crystal, they started behaving like waves. तो उनके जो ग्राफ मिले हमको, दे रिजेंबल द ग्राफ ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन, एंड एज अ रिजल्ट इट वॉज सीन के नाउ इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो बिहेविंग एज वेव्स, विच गेव प्रूफ
to de Broglie's idea. Before I sign off, I need to at least make you aware of this idea. I'm sure you've seen this. This characteristics of a photon. कुछ इक्वेशंस आपके सामने रख रहा हूं. द एनर्जी ऑफ अ फोटोन, यू ऑलरेडी नो दिस. एनर्जी ई इज एच नू और एच सी बाय लैम्बडा. नाउ दिस वुड बी इन जूल. इफ यू वांट एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस विल बी एच नू बाय ई या एच सी बाय ई लैम्बडा. दिस वुड बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो कोई भी इक्वेशन हो, पहले देख लेना कि तीनों साइड जो है, जो भी साइड है, ईवी में है, जूल में है, क्या है, उसके हिसाब से इक्वेशन यूज करना. सेकेंडली, मोमेंटम ऑफ अ फोटोन, पी इज ई बाई सी. वेरी इंपॉर्टेंट स्टफ दिस. पी इज ई बाई सी, विच इज एच नू बाई सी या विच इज एच बाय लैम्बडा. इट विल पे टू रिमेंबर दीज इक्वेशंस. थर्ड, द मास ऑफ अ फोटोन, I am using E is equal to mc square. So m is equal to E by c square, which is h nu by c square. And, you know, photon will also obey the laws of conservation of mass, energy and momentum. And photon is a particle of light. Do not confuse this with particle like electrons. Okay, electrons ki energy puche to wo alag hi baat ho jati hai, wo kinetic energy ho jati hai. Acha, aur kya bacha? Acha, kuch tips de raha hu. Which will be really useful in solving numericals. Achha, before I give you tips, power or energy rahega, power or intensity rahega. Power is energy upon time. If ek photon ki energy h nu, n photons ki energy kitni hogi? N h nu by t ya n h c by lambda t. Fifth is intensity. Intensity is energy per unit area, per unit time, which can be also written as, you know, energy upon time is power. So it is power over area. So I is E by AT, which is NH nu by AT, yeah, NHC by lambda AT. And now for the tips. Sir, ye bade bade, you know, equations hai, unko kaise solve kiya jayega? Achha. कुछ तीन चीजें दे रहा हूं, बहुत ज्यादा जरूरी. सबसे पहला तो द प्रोडक्ट एच सी. यू नो, एच इज 6.63 इंटू 10 टू माइनस 34, सी इज 3 इंटू 10 रेस टू 8, और इसका एच सी का वैल्यू आता है 19.8 इंटू 10 रेस टू माइनस 26. सो आप चाहो तो जहां पे भी एच सी आया है, आप सीधा ये वैल्यू यूज कर सकते हो. यू कैन ऑल्सो पुट इट लाइक 20 इंटू 10 रेस टू माइनस 26, ओके, विच कैन बी नियरली रिटन एज 20 into 10 is to minus 26. Achha, there is one more danger, hc by e. Ab hc by e ko use karun aur fir uska electron volt mein ye wo angstrom mein lao, iska ek solid equation hai, 12375 electron volt angstrom. Sir, ye samajh mein nahi aaya. Hc aur e ko maine फाइंड आउट किया एंड वैल्यू ये आई 12375 इंटू 10 रेस टू माइनस 10. 10 रेस टू माइनस 10 को मैंने एंगस्ट्रॉम में लगा डाला. अब जब आप इसके नीचे सपोजिटली लैम्बडा लगाते हो, तो इसके नीचे लैम्बडा सपोज यू नो 5000 एंगस्ट्रॉम. सो 5000 एंगस्ट्रॉम, सीधा एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कट जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद 12375 बाय 5000. एंड 12375 को मैं इस तरह बोलता हूँ, यू नो, हिंदी भाषा में काफी इच्छा इसका 12375. तो एक 12375 एक अलग ही म्यूजिक रखता है. यू विल हैव टू प्रैक्टिस सेइंग दिस इन नंबर ऑफ टाइम्स बिफोर यू फॉल इन लव विद 12375. ओके, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड, बट विल बी यूजिंग दिस अलॉट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम. एंड थर्डली, एच बाय रूट ऑफ 2ME. यू नो, डी ब्रॉय में काफी आएगा ये. तो एच बाय रूट ऑफ 2ME की वैल्यू करीबन 12.27 एंगस्ट्रॉम जितना होता है. व्हाट आई वांट यू टू डू इज आई वांट यू टू राइट दीज थ्री इमीडिएटली डाउन बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज देम. सो डू दैट प्लीज. ऑलराइट, सो लेट्स गो ऑन, लेट्स डू सम न्यूमेरिकल्स.
आई एम लुकिंग एट SP2, ये सारे न्यूमेरिकल्स कर रहा हूं मैं अरिहंस मास्टर रिसोर्स बुक इन फिजिक्स बाय डी बी सिंह में से. पेज नंबर ऑफ ड्यूअल नेचर इज 1131, सो काइंडली गो टू दैट. SP2, व्हाट डज इट से? वेवलेंथ लैम्बडा इज 2600 एंगस्ट्रॉम एंड वर्क फंक्शन, दे हैव नॉट गिवन दिस, दे हैव नॉट प्रिंटेड दिस इन द बुक, सो प्लीज प्रिंट इट. यू कांट प्रिंट इट, बट प्लीज राइट इट. यू नो दीज टू पीसेज ऑफ डेटा हैवंट बीन गिवन. सो वेवलेंथ लैम्बडा इज 2600 एंगस्ट्रॉम, वर्क फंक्शन फाइ इज 3.27 ईवी. Then what will be the maximum KE of the emitted photons, photoelectrons? Okay, by Einstein's equation, I think everybody knows this, KE max is HC by lambda minus phi. And this is the point where you start looking. K phi kisme hai, EV mein hai. ये HC by lambda kisme hai, joule mein. Oh, to apne ko usko EV mein convert karne ka. ईवी तो तुम्हारा के मैक्स भी किसमें आ जाएगा? ईवी. ऑप्शन में मैंने देखा था और ऑप्शन ईवी में था, इसलिए मैंने सब कुछ ईवी में कन्वर्ट कर दिया. एंड नाउ इज द टाइम, यू रिमेम्बर एच सी बाई ई कितना होता था? 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम ओवर 2600 एंगस्ट्रॉम. कैन यू सी दिस? इज एवरीवन लुकिंग? पीपल, एंगस्ट्रॉम एंगस्ट्रॉम कट गयो है. यहां से दो जीरे, यहां से दो जीरे काट डालूंगा. 123.75 डिवाइड बाय 26 माइनस 3.27. एंड नाउ यू कैन स्टार्ट डिवाइडिंग 26. अगर आपको 26 का डिवीजन नहीं अच्छा लगता, यहां पे कर लो फटाफट. 123.75, आई थिंक 26 फोर्स आर 24 एंड 2, 4, 2, 8, 9, 10 कितना हो गया? आई थिंक 19. और यहाँ पे पॉइंट आ गया 197. आई थिंक 26 सेवन जा हो जाएगा, 7, 7, 6, 7, 6, 42, 4, 7, 2, 14 and 118. क्या बात है, मेरे को अभी भी आता है. एंड आई थिंक फाइनली 5 आ सकता है यहाँ पे, 5 या 6, 6 का चांस बैठेगा. लेट अस सी, 6 का मुश्किल है. 6, 6 जा 36, 6, 2 जा 12, 115, करीबन 4.76. पीपल कितना बैठ रहा है? 4.7 माइनस 3.2, 1.5 के आसपास करीबन. चेक कीजिए हुक्म, करीबन 1.5 के आसपास बैठ रहा है. 1.51 दे दमा दम, टन 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 तारा चलती है क्या 9 से 12? बराबर. तो ये एच सी बाई ने हमारी जान बचाई है. बराबर. सो ये एच सी बाई को नमन करके आगे बढ़ा जाए. SP4 की ओर, तेरी ओर. इसमें छोटे छोटे ही है, बस कैलकुलेशन तुम्हारी जान ले सकता. फोटो इलेक्ट्रिक थ्रेशोल्ड ऑफ सिल्वर इज 3800 एंगस्ट्रॉम. भाई थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ये, लैम्बडा जीरो, 3800 एंगस्ट्रॉम. एंड यूवी लाइट ऑफ लैम्बडा 2600 angstrom is incident on the silver surface. What is the value of the work function? भाई as simple as it gets. यहां पे इस lambda की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि work function phi is h nu zero, which is hc by lambda zero. पर तुमको work function किसमें मांगता है? जूल में कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? जूल. लड़की ब्यूटीफुल आ गया, जूल. ऑप्शन में जुल है तो हम नीचे ही ना लगावेंगे. बराबर. इंपॉर्टेंट ये, नीचे ही नहीं लगेगा, ई लगेगा तो ईवी में आ जाएगा. भाई एचसी की वैल्यू याद है आपको? जाने दो यार, याददाश्त तुम्हारी जो है ना एकदम काबिले कुछ नहीं है. सो 3800 इंटू 10^-10 इज 3.8 इंटू 10^-7. ओके, माइनस 26 प्लस 7 इज माइनस 19. एंड 20 बाई ये 3.8 को 4 ले लो ना, मैटर क्लोज करो. तो 20 बाई 4 5 से थोड़ा सा ज्यादा, 5.1 के आसपास, 5.2 के आसपास हो सकता है. बस 5.2 के आसपास चेक कीजिए हुजूर, है ना. 5.23 इंटू 10^-19 जूल. चकाचक मैं करने जा रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 3. ये एग्जाम्पल 3 आप ट्राई करो लिख के, डेटा वेटा लिख के ट्राई करो जी.
क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है करके। मस्त मस्त न्यूमेरिकल्स हैं इसके, कोई कोई शक नहीं है बात में, बस इंपॉर्टेंट ये है अगर आप एच को सी को सबको सब्स्टिट्यूट करने जाओगे ना तो मोहे रंग दो लाल यू नो सिद्ध हो जाएगा प्रैक्टिकलिटी में, ऐसे लाल हो जाओगे एक न्यूमेरिकल करते करते कि तुमको लगेगा यार ये तो डेंजरस हो गया, इतना खतरनाक है क्या, पर ये टिप्स यूज करोगे तो हो जाएगा। एग्जाम्पल थ्री, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड दैट फॉर इंसिडेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ, इंसिडेंट लाइट की कितनी है 1.98 इंटू 10^-7 मीटर, स्टॉपिंग पोटेंशियल वाओ इज 2.5 वोल्ट। ओके, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विथ मैक्सिमम स्पीड, मतलब एनर्जी चाहिए एंड वर्क फंक्शन भी चाहिए, अरे बाप रे, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी, क्या यार एक बारी में सब कुछ ऑर्डर प्लेस कर दिया इन्होंने। अच्छा भाई, सबसे पहले आइंस्टाइन बाबू की जय हो। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन, यू रिमेंबर के ई मैक्स इज टोटल एनर्जी जिसको मैं ई का नाम देता हूं माइनस वर्क फंक्शन फाई। अब न फाई है न कुछ है, पर भाई के ई मैक्स इजंट इट ईवी जीरो एंड एनर्जी, एनर्जी मेरे पास नहीं है, यहां पे लैम्बडा दिया हुआ है, लैम्बडा दिया हुआ है ना, हाँ लैम्बडा दिया हुआ है 1.98 इंटू 10^-7, तो आई थिंक इसको लगाएंगे तो एनर्जी मुझे क्यों चाहिए, उनको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए ना, तो वर्क फंक्शन का कोई आइडिया नहीं है। ओके, तो पहले वर्क फंक्शन निकाल लें कि पहले एनर्जी निकाल लेते, पहले एनर्जी निकाल लेते, एनर्जी ई इज एच सी बाय लैम्बडा, किस में चाहिए एनर्जी, ईवी में चाहिए, आओ जी बाओ जी ई डालो जी, एच सी बाई ई 12.375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम ओवर लैम्बडा। अच्छा ये 1.98 तो ये एंगस्ट्रॉम को 10^-10 कर लो, नहीं तो ये जान ले लेगा, 1.98 इंटू 10^-7, चल बेटा -10+7 कितना हो गया, -10+7 -3, ओ चचा, अरे ओ चचा, और 1.98 को 2 ले ले, एंजॉय कर, और ये 10^-3 1, 2, 3, सो 12.375 ईवी बाय 2, बाय 12.375 बाय 2 कर लो यार 6.1, अगर तू 1.98 लेता तो 6.2 के आसपास हो जाता, 6.2 के आसपास रख ले यार, करीबन 6.2 के आसपास आंसर मुझे पता ना है। अब ये इक्वेशन यूज करने का टाइम आ गया, नाउ टेक इक्वेशन 1, यहां से मुझे वर्क फंक्शन मिलने वाला। सो के ई मैक्स विच इज ईवी जीरो इज एनर्जी माइनस फाइ, तो फाइ को यो ले आऊं इस तरफ, इजंट इट एनर्जी माइनस ईवी जीरो, एनर्जी कितना था 6.2 एंड ईवी जीरो, वी जीरो कितना है 2.5, तो ईवी जीरो इज 2.5 ईवी, सो 6.2 माइनस 2.5 करीबन 3.7 के आसपास, 3.7 के आसपास, वाह 5 मिल गया, एंड दस मुझे नू जीरो चाहिए, तो 5 इज एच नू जीरो, बट ये एच अकेला नहीं है, यहां पे ईवी में है, तो दिस इज एच बाई ई, तो जरा तेजी पकड़ लो, ई इंटू 5 डिवाइड बाई एच 1.6 इंटू 10^-19 इंटू 3.7 ओवर एच 6.6 इंटू 10^-34, ओके -19+34 इज 15 हर्ट्स एंड 3.7 इंटू 1.6, 7 6 42, 6 3 18, 22 7 1 7 3 1 3 9 592, 5.92, सो 5.92 अपॉन 6.6, सो 6 बाई 6.6, 0.9 के आसपास करीबन, करीबन 0.9 इंटू 10^15,
which gives me kariban 9 into 10 raised to 14 hertz. Check it please. Check it. क्या बोलता है? सही है आंसर? दिखाई दे रहा है? Yes. क्या है क्या नहीं है करके? सही है भाई. Okay. So, इसके बाद करने जा रहा हूं राउंड वन का 9. राउंड वन का नंबर 9. चलो बाबूजी, मस्त न्यूमेरिकल था. बस करते जाओ करते जाओ. राउंड वन का 9. पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले सारे ले लेते हैं, फिर डी ब्रॉय के लेंगे. ओके, सो आई होप यू आर लुकिंग एट राउंड वन का 9. मैं देखूं इससे पहले आप देख लो यार, कुछ अंदाजा तो बैठे क्या कह रहा है. ओके, जस्ट गिव मी अ मो. ओके, राउंड वन द 9. ओके, कंसीडर अ मेटल एक्सपोज टू लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर. नो प्रॉब्लम. 600 नैनोमीटर. द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स डबल्स. अच्छा, व्हेन लाइट ऑफ, ये लैम्डा 1 है, ये लैम्डा 2 है, 400 नैनोमीटर यूज हो जाती है. सो काइनेटिक एनर्जी 2 इज ट्वाइस काइनेटिक एनर्जी 1. अच्छा जी, वर्क फंक्शन चाहिए. ओके, लेट अस सी. आइंस्टाइन का इक्वेशन इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है. वी नो के ई मैक्स इज एच सी बाय लैम्बडा माइनस 5. ओके, सो के ई वन इज एच सी बाय लैम्बडा 1 माइनस 5 एंड के ई टू इज एच सी बाय लैम्बडा 2 माइनस 5. अब ये ई लैम्बडा 2 ही होगा, बाकी तो कुछ है नहीं. ओके, अब गिवन के ई टू इज ट्वाइस के ई वन, तो के ई टू की जगह इसको लगाऊंगा, के ई वन की जगह इसको लगाऊंगा. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. एच सी बाय लैम्बडा 2 माइनस 5 इज ट्वाइस. बस शांति से करते जाना. लेट अस सी वेयर इट लीड्स अस. लेट्स ओपन ब्रैकेट्स. सो एच सी बाय लैम्बडा 2 माइनस 5 इज ट्वाइस एच सी बाय ई लैम्बडा 1 माइनस 2 5. नाउ इफ आई ब्रिंग दिस माइनस 2 5 हियर, तो 2 5 माइनस 5 बिकम्स 5 एंड दिस इज 2 एच सी बाय ई लैम्बडा 1 माइनस एच सी बाय ई लैम्बडा 2. तो अब या तो अपने एच सी बाय ई को कॉमन ले लें, इसकी वैल्यू हम जानते हैं अच्छी तरह, 2 बाय लैम्बडा 1 माइनस 1 बाय लैम्बडा 2. आर यू रेडी टू रॉक एंड रोल? एच सी बाय ई की वैल्यू 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन 2 बाय लैम्बडा 1. अच्छा, इन दोनों को मैं अगर एंगस्ट्रॉम में ले लूं तो दिस विल बी 6000 एंगस्ट्रॉम, दिस विल बी 4000 एंगस्ट्रॉम. इफ यू वांट टू डू दैट, डू दैट. या फिर नैनो में से 10 एस टू माइनस 9 बार ले लो, नॉट अ बिग प्रॉब्लम. सो 2 बाय हाउ मच इज लैम्बडा 1? 2 बाय 600 माइनस 1 बाय 400. ओके जी, तो 2 बाय 600 इज 1 बाय 300. तुमको यू नो वही लेना है, तो 12375 और ये एंगस्ट्रॉम को 10 एस टू माइनस 10, माइनस 10 प्लस 9, 10 एस टू माइनस 1 ईवी. एंड नीचे 300 इंटू 400, मैं 1200 का एलसीएम लेता हूँ, 400 यू नो दिस 1 बाय 300. ओके, एंड इफ यू वॉन्ट आप ये दोनों जीरो को बाहर ले सकते हो, 100 एंजॉय करो. एंड 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 इज 1 बाय 12. ओके, आई एम गुड. 10 एस टू माइनस 1, तो यहाँ एक जीरो लग गया और यहाँ पे 12.375 ई वी बाय 12. ओह ओह ओह, 1.0 समथिंग, करीबन 1.0 समथिंग ई वी, 1 ई वी के आसपास होना चाहिए. चेक कीजिए, 1.02. सही है पीपल, यू आर लुकिंग लवली. आई एम वॉन्ट टू राउंड वन का 12, राउंड वन का 12, जल्दी जल्दी राउंड वन का 12. यू कैन एटलीस्ट सी व्हाट्स ब्रूइंग, क्या पक रहा है.
किस तरह की खुशबू आ रही है, क्या डेटा है क्या नहीं। जब मैं कहता हूं किस चीज की खुशबू आ रही है, तो आई व्हाट आई एम रेफरिंग टू इज द डेटा। यू नो, आपको बहुत अच्छी तरह खुशबू आती है, दाल बन रही है, सब्जी बन रही है, क्या बन रही है, तो आप मन में एक आइडिया बना लेते हो कि ये बन रहा है। एंड जितना आप ज्यादा देखते जाते हो, उतना ज्यादा अंदाजा आता जाता है ये दिस व्हाट इज। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फोटॉन्स? ओके, नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहिए एमिटेड पर सेकेंड बाय 10 वॉट सोडियम लैम्प, अज्यूमिंग 90% ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लाइट। ओ, तो इसको पी डैश बोलते हैं। पी इज 90% ऑफ पी डैश, तो दिस इज 90% ऑफ 10 वॉट। भाई कितना होगा यार पावर? 9 वॉट। एंड लैम्बडा दिया हुआ है 590 नैनोमीटर। सो एज इजी एज इट लुक्स, वी नो पावर इज एनर्जी अपॉन टाइम। सो पी इज एन एच सी बाय लैम्बडा टी। ओके, तुमको एन चाहिए, पी लैम्बडा टी बाय एच सी। पावर है, पावर 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 9 वॉट, लैम्बडा 590 नैनोमीटर। तो 590 × 10⁻¹⁹ टाइम इज 1 सेकेंड। एंड एच सी, आई एम श्योर एच सी एवरीबॉडी नोज, 20 × 10⁻²⁶। लाइफ हैज बिकम इनफाइनाइटली सिंपलर यूजिंग सच ब्यूटिफुल थिंग्स। ओके, तो −9 + 26, −9 + 26 इज 17, एंड 2 × 9 × 590 डिवाइड बाय 20 आओ जो। अच्छा, मैं इसको अगर 60 ले लूं, 60/2 विल बी 30, 30 × 90 इज करीबन 270। सो एन इज करीबन 2.7 × 10⁻¹⁹ फोटॉन्स। व्हाट्स है कुछ ऐसा आंसर करीबन करीबन? और यस, 0.267 × 10⁻²⁰ इज देयर राइट आंसर। ये परफेक्ट है एग्जाम्पल जेंटलमैन। राउंड वन का 12 था ये, और मैं करने जा रहा हूं राउंड वन का 21। 21 21 का टाइम आया है भाई। अच्छा, ये थोड़ी सी जगह है, इसमें कुछ कर सकते हैं क्या? कुछ छोटा मोटा खरा खोटा। अरे एग्जाम्पल 6 है मेरे पास, एग्जाम्पल 6, मौका मिलते चौका मारा जाएगा। इट सेज द रेशियो ऑफ द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम विच आर एट टेम्परेचर्स। टेम्परेचर्स हाइड्रोजन का 27 डिग्री सेल्सियस विच इज 300 केल्विन, एंड टेम्परेचर हीलियम का कितना है? हीलियम का 127 प्लस 273, दिस इज 400 केल्विन। बट डू नॉट फॉरगेट, तुमको मास हाइड्रोजन भी लेना पड़ेगा भाई। हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन में क्या है, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, वही है ना? है ना? सो 2 MP। एंड हीलियम में क्या है, दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन, मास ऑफ हीलियम 4 MP। ओके, पर आई थिंक हाइड्रोजन क्या है, ये मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, H2 है, तो 2 MP होगा। यू रिमेंबर डी ब्रॉय वेवलेंथ का इक्वेशन फॉर अ गैस मॉलिक्यूल, लैम्बडा इज एच बाय रूट ऑफ 3 mkBT। यहां H 3 और kB तो सेम ही है, तो प्रोपोर्शनल टू 1/√m(T). सो लैम्बडा हाइड्रोजन अपॉन लैम्बडा हीलियम। ऊपर हीलियम वाले का मास चढ़ जाएगा जी, मास हीलियम इंटू टेम्परेचर हीलियम ओवर मास हाइड्रोजन इंटू टेम्परेचर हाइड्रोजन। आओ जी बाओ जी, मास हाइड्रोजन 4 MP और टेम्परेचर 400 अपॉन मास हीलियम 2 MP इंटू टेम्परेचर 300। ओके जी, 0 0 कट हो जाना, 2 2 4 MP कट हो जाना, 2 4 8 और नीचे 3। सो आई थिंक माई आंसर, माई रेशियो शुड बी रूट ऑफ 4 2 8 एंड 3 1 3। चेक, इज इट रूट ऑफ 8/3? यस इट इज। सो वी वर ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 6। वापिस आ जाओ जी, कौन सा नंबर सी का? 21, 21 करना था, और वो 21 थोड़ा पेंडिंग रह गया, पर 21 अब करेंगे। लुक एट 21,
राउंड वन का 21 इज ऑन द रोल नाउ. सो आई थिंक कुछ फ्रीक्वेंसी वगैरह दे रखी है, तो अपने इसको देखेंगे इन जस्ट मोमेंट. ओके, सो राउंड वन का 21, व्हाट डज इट से? फॉर अ सर्टेन मेटल nu इज 2 nu 0. ओके, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. इलेक्ट्रॉन्स कम आउट विद अ मैक्सिमम वेलोसिटी v1, वी मैक्स 1 कह सकते हो, 4×10⁶ मीटर पर सेकेंड. ओके, अगर अच्छा इसको nu 1 कहते हैं, अगर nu 2 इज 5 nu 0, देन वॉट विल बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स? सेम मेटल है तो वर्क फंक्शन भी सेम होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी सेम होगी. सो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, के मैक्स इज टोटल एनर्जी माइनस 5, एंड के मैक्स मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, मैं वी मैक्स नहीं लिख रहा हूं. ई इज एच नू माइनस 5 एच नू 0. इज दिस एब्सोल्यूटली अग्रीएबल पीपल? नाउ अब यहां से शुरू होगा कारवां. सो हाफ एम वी वन स्क्वेयर इज एच नू 1 माइनस एच नू 0. अब नू 1 कितना है? 2 नू 0, तो 2 एच नू 0 माइनस एच नू 0 विच इज एच नू 0. अभी कुछ नहीं करना है, हम रेशियो लेंगे और फिर इसको देखेंगे कितना है. ऑल्सो हाफ एम वी 2 स्क्वेयर इज एच नू 2 माइनस एच नू 0. भाई नू 2 कितना है? 5 नू 0. सो हाफ एम वी 2 स्क्वेयर इज 5 एच नू 0 माइनस एच नू 0, इजंट दैट 4 एच नू 0? एंड दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू नाउ. आई एम गोइंग टू डिवाइड 3 एंड 2. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पुटिंग यू नो एम एंड एच एंड ऑल दैट. सो हाफ एम वी 2 स्क्वेयर बाय हाफ एम वी 1 स्क्वेयर इज वी टू स्क्वायर वाला कितना है? 4 एच नू 0 ओवर एच नू 0. तो एच नू 0 गोज अवे, बच गया 4. हाफ एम ऑल्सो गोज अवे. सो वी टू स्क्वायर बाय वी 1 स्क्वायर इज 4. आई थिंक वी 2 बाय वी 1 विल बी रूट ऑफ 4 विच इज 2. सो नू 2 नू नहीं है, वी 2 है क्या तुम भी, इज ट्वाइस वी 1. वी 1 कितना है? 4×10⁶. So V2 is 2×4×10⁶. Is that 8×10⁶? No, there is something wrong somewhere. Yes, sir. Sahi answer? Yes, sir. Haan, barobar. Okay. Sahi to ja raha hai na, koi dikkat dukkat nahi hai na bhai. Haan, bhai. 4. Haan. So 2 4s are 8×10⁶ meter. ओके, अब लास्ट हमने 21 किया, अब हम 37 करने जा रहे हैं. तो स्टे विथ मी फॉर राउंड वन का 37. व्हाट डज इट से? इट सेज द वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटालिक सरफेस इज 5.01 ईवी. ओके, द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड व्हेन लाइट ऑफ लैम्बडा इज 2000 एंगस्ट्रॉम फॉल्स ऑन इट. द पोटेंशियल डिफरेंस applied to stop the fastest photoelectrons is, bhai, they want stopping potential. और stopping potential कहां से मिलेगा? Ke max से मिलेगा ना, तो Ke max ज्ञात करना बहुत जरूरी है. So according to Einstein Babuji, क्या कहा था उन्होंने? तुम थे वहां पे? Total energy hc by lambda minus 5. भाई सबरा कुछ ईवी में ही चाहिए, फाइव तो ईवी में है, ये भी ईवी में चाहिए होगा. ओके, एच सी भाई कम्स टू योर रेस्क्यू इमीडिएटली, दिल से बुलाया, 1 2 3 7 5 आया. किसी और का भी होता है दिल से बुलाया, समथिंग समथिंग, 1 2 3. So 6.1875. My God, इतना बड़ा करने क्या जरूरत है यार. तो कितना होगा? 6.1
1.17 बहुत हो गया, करीबन 1.2 ले लेना। जलसा कर, जलसा कर बापू, जलसा कर। ए भाई के मैक्स क्या है, इज इंट इट ई वी जीरो? ई कट मुझे मिल गया वी जीरो, करीबन 1.2, देख तो जरा। सही है, जो करेगा सही तो आंसर आएगा भी सही। ओके, राउंड वन का 37 हो चुका है। मैं करने जा रहा हूं राउंड वन का 39, 39, राउंड वन का 39। कुछ काफी चीज कह रहा है। अ फोटोन ऑफ एनर्जी ई इजेक्ट्स अ फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस, वर्क फंक्शन डब्ल्यू जीरो। तो एनर्जी वर्क फंक्शन इज डब्ल्यू जीरो, कुछ अजीब नोटेशन है ये। इफ दिस इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन टू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा, ऑफ इंडक्शन बी इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड एंड डिस्क्राइब्स अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। तो मैग फील्ड भी है इसमें, क्या बात है, कितने किरदार लगाए। रेडियस इज आर, तो मुझे क्या चाहिए, आर चाहिए। भाई आर फाइंड करने के लिए ये रिमेंबर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में तुमने देखा था कि इफ फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी देन रेडियस कितना होता है जी, आर इज एम वी बाय क्यू बी। सही है, ओके okay? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा तो ई यहां पे आएगा, मास एम हो उसका, वी पता नहीं है। यहां पे आइंस्टाइन साहब हमारी मदद करेंगे। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन क्या कहा था उन्होंने, के मैक्स विच इज हाफ एम वी स्क्वेयर इज, एनर्जी कितनी है टोटल ई माइनस वर्क फंक्शन कितना है, वाव, वर्क फंक्शन वाव नहीं है, तो वी स्क्वेयर इज टू ई माइनस डब्ल्यू जीरो बाय एम, तो वी इज इक्वल टू रूट मार दू। चलो भाई थैंक यू, और अब मैं टू को वन में पुट करूंगा, पुट टू इन वन, सो रेडियस आर इज एम बाय, ये चार्ज को ई ले रहा हूं, इसको बी ले रहा हूं, रूट ऑफ क्या बचेगा जी, टू बाय एम ई माइनस डब्ल्यू जीरो। ये एम ऊपर नीचे कट जाएगा तो ये एम रूट में घुस जाएगा और मेरा फाइनल इक्वेशन, याद रखे ये ई बी जो है ना वो रूट के बाहर है, रूट ऑफ, उन्होंने ऑप्शन में इस ई बी को भी रूट में डाला है बट ई बी जो है वो रूट में नहीं है, काइंडली मेक दैट चेंज। ऑप्शन इज सी पर उसमें ई बी भी रूट में डाला हुआ है इन द यू नो ऑप्शन इन द चॉइस, तो वो ई बी को रूट में से हटा दो बिकॉज ई बी इज नॉट इन द रूट। ओके सो मेक दैट चेंज, लेट्स मूव ऑन। मैं करने जा रहा हूं राउंड वन का वन, अब ये डी ब्रॉय वाला फंडा आ गया, राउंड वन का वन, डी ब्रॉय बाबू जी इज ऑन द रोल। क्या कहता है राउंड वन का वन, राउंड वन का वन, वो कह रहा है कि अ पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एच, अच्छा पार्टिकल को हाइट एच से ड्रॉप किया गया एंड और कुछ भी कहा है कि द डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ हाइट इज प्रोपोर्शनल टू, अच्छा जी हाइट एच से गिरा गया, लैम्बडा चाहिए। भाई वी आर गोइंग टू यूज काइनेमैटिक इक्वेशंस हियर, यू रिमेंबर तुमको डी ब्रॉय वेवलेंथ के लिए लैम्बडा इज एच बाई एम वी, वी चाहिए। सो हियर इनिशियल स्पीड इज जीरो व्हेन पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट, फाइनल वेलोसिटी इज वी, एक्सेलरेशन इज जी एंड हाउ मच इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एच। सो इन चारों को यूज करके वी स्क्वेयर माइनस वी जीरो स्क्वेयर इज टू ए एक्स, तो वी स्क्वेयर ये तो जीरो है इज टू जी एच, तो हाउ मच इज वी, Isn't it root of 2gh? And so de Broglie wavelength, lambda is h by mv, which is ये h Planck's constant है, गलती से कुछ और मत समझ बैठना, अरे मास को तो लगाओ, root of 2gh, हमको proportionality चाहिए, एच एम रूट टू जी सब यू नो कॉन्स्टेंट है, तो लैम्ब्रा इज प्रोपोर्शनल टू वन बाय एच का रूट मतलब रेस टू हाफ, इसको ऊपर चढ़ा दो तो आई थिंक
This is the type of option that they want, proportional to h raised to minus half. Are you checking? Is there such an option? Yes, sir. Yes, there is. I am looking at round 1 ka 51. Round 1 ka 51. What is it saying? The mass of a neutron, mass of neutron is 1.7 into 10 raised to minus 27 kg. The de Broglie wavelength of neutron again, of energy, lambda chahiye. Energy kitni hai neutron ki? 3 eV. Is nearly how much? Okay. Bhai, de Broglie wavelength. किसी भी पार्टिकल की आपको काइनेटिक एनर्जी दी गई हो तो इजंट दिस एच बाय रूट ऑफ 2mk. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आई वी आर वेटिंग फॉर सब्स्टिट्यूशन. 6.6 इनटू 10 रेज टू माइनस 34, दिस इज गोइंग टू बी अ बिट विकेड. 2 इनटू मास 1.7 इनटू 10 रेज टू माइनस 27 एंड काइनेटिक एनर्जी 3 ev, तो 3 इनटू 1.6 into 10 is to minus 19. Don't get hassled. Thanda pani dalo. Minus 27 minus 19 is minus 46. Minus 46 ka root mara minus 23. Okay. Now 1.7 into 1.6. Dekho, ya to 1.7 or 1.6 mein se 1.6 ka root 1.6 bahar le lo. 3 2s are 6. 6 मतलब करीबन करीबन 2.4 के आसपास ले लो बांध. 1.6 into 2.4 एटलीस्ट, यू नो, 6 का रूट जैसे 6.25 का रूट क्या है 2.5, तो 6 का रूट क्या है 2.4 ले लो, करीबन करीबन चल जाएगा. सो और तुमको अगर बहुत ज्यादा उछल कूद हो रही है सर 1.7 ले लो, ले 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 ले, डर मत, बस तू बस ले ले. 7 4s are 28 7 2s are 14 15 16 4 1s are 4 2 1s are 2. ओके, आई मैं शकुंतला देवी नहीं हूँ. 4.08 4.1 6.6 by 4 4 भी ले सकते हो यार, जलसा करो ना. -34 + 23 -11, दिस विल बी 2, दिस विल बी 3.3 एंड 1.7 के आसपास करीबन करीबन 1.6 1.7. ला ला, आई गॉट एन आंसर. 1.6 into 10 raised to minus 11 meter. भाई चेक करो महाराज, सही है, करीबन करीबन. अच्छा, मैं करने जा रहा हूं राउंड 1 का 52, लास्ट दो न्यूमेरिकल बचे हैं, सो स्टे विथ मी. राउंड 1 का 52 करने जा रहा हूं. व्हाट डज इट से? भाई चेहरे से खतरनाक लग सकता है, लोग अक्सर चेहरे पे ही जाते हैं, कैसा दिखता है, पर उस खतरनाक दिखाई में उसका दिल देखो, दिल देखो, चेहरा ना देखो. चेहरे ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा. अच्छा लगा. ओके, तो मैं पेन भी चेंज कर लेता हूं, नया सम कर लेगा ना जबरदस्त, तो पेन आ गई नहीं. ओके, राउंड 1 का 52. आई एम लोडिंग न्यू एमिनेशन क्लिप्स. An electron, okay, mass m with initial velocity v bar is v0 i cap, okay, is in an electric field, e bar is e0 j cap, mutually perpendicular hai dono, okay. If lambda 0 is h by m v0, then its de Broglie wavelength lambda at time t कितना होगा, ये फाइंड करना है. ओके, स्टे विथ मी. भाई ये पार्टिकल है लेट अस से इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ जा रहा है, ये उसका वी जीरो आई कैप है एक्स एक्सिस, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जे कैप में है. सो दिस इज योर जे कैप, पॉजिटिव जे कैप. भाई दिस विल इन्वॉल्व द आइडिया ऑफ डू वी रिमेंबर पीपल. भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव है, तो उस पर फोर्स किस तरफ पड़ेगा, नीचे, एंड उस पर एक्सीलरेशन किस तरफ पड़ेगा, नीचे. सो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट विल मूव विथ कॉन्स्टेंट स्पीड,
and in vertical direction, it will move with constant acceleration. I hope you remember acceleration kitna tha. Acceleration is E by M. You know, F is equal to QE ke saath F is equal to MA laga diya. So acceleration is E by M. Aisa jayega. Aisa. Par humko koi tension nahi hai. Achha, in time T, along horizontal direction, x-axis mein. Speed kitni hai uski x-axis mein? V0. And time kitna hai T. Do you agree? Finally, acceleration is direction mein to koi hai nahi. So final speed bhi kitna hoga? V0 hi hoga. Because there is no acceleration. Along y-axis. Initial speed kitni hai? 0. Time kitna hai? T. Acceleration kitna hai? Minus E by M. So Vy kitna hoga? By Vy is V0y plus Ay into T. V0y to 0 hai. So Ay kitna hai? Minus E by M into T. तो Vx भी मिल गया, Vy भी मिल गया, क्योंकि मुझे फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है ना. फाइनल वेलोसिटी V इज रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर. एकदम मस्त रूट. Vx स्क्वायर कितना? V0 स्क्वायर प्लस, ये माइनस का तो प्लस हो जाएगा, E स्क्वायर T स्क्वायर बाय M स्क्वायर. तो ये मेरा फाइनल वेलोसिटी है. एंड नाउ माई डी ब्रॉय वेवलेंथ. सो De Broglie wavelength, which corresponds to the idea, lambda is h by mv. V की जगह इसको लगा रहा हूं, पर मैंने जब options देखे तो option में lambda 0 भी था. इसका मतलब मुझे v0 भी कहीं ना कहीं, you know, lambda 0 दिया हुआ है h by mv0, तो मुझे v0 कहीं ना कहीं निकालना है. बार तो एक काम करते हैं, इधर से मैं V0 स्क्वायर बाहर निकालता हूं, तो V0 बन जाएगा रूट ऑफ, यहां 1 आ जाएगा, और नीचे V0 स्क्वायर डाल देता हूं. एंड अगर इसको देखो, H by MV0, isn't it lambda 0? Wow! तो मुझे फाइनल आंसर आई थिंक आ चुका है. lambda is lambda 0 over 1 plus E square T square by m square v0 square. I think someone can check this. Is that true? Lambda is lambda 0 over root of 1 plus e square t square. Achha, electric field ko e0 bola gaya. My mistake. Ye e0 tha. Value e0. So, har jagah e0 hoga. Please make that change. Okay. So, e0 square t square by m square v0 square. Yeah, that's lovely. And last equation, last numerical of the day, people. And फिर कल टी. Okay, फिर चले जाने का. और क्या खाने का? जो खाना है वो खाने का, जो पीना है वो पीने का. I'm doing round 2 का 28. Round 2 का 28. अच्छा, इसमें एक आध mistake है, उसको मैं चाहूंगा आप लोग उसको correct करें, rectify करें. मैं बताऊंगा आपको क्या mistake है. This is more than one option correct. So, we'll have to check all four options. कौन सा सही है, कौन सा गलत है. वैसे आंसर आएंगे तो तुरंत चेक हो ही जाएगा. No doubt about that. तो, what does it say? पहला, let me take this off. Okay. Round, क्या? Round 2 का 28. What does it say? When a photon of energy 4 EV, so E is 4 EV, strikes the surface of a metal A, अच्छा, इसको energy A कहते हैं. The ejected photoelectrons have maximum kinetic energy TA. So KE of A, we'll call it TA, electron volt. And De Broglie wavelength lambda, which means De Broglie wavelength, kyun hai malum nahi. Okay. The maximum kinetic of photoelectrons liberated from another metal B by photon of energy 4.50 EV. So EB is 4.5 EV. Kitna hai kinetic energy B? TB. है, पर टीबी का कुछ दिया हुआ. कैन यू सी टीबी इज रिटन एज टीए माइनस 150. इट इज नॉट 150, इट इज 1.5. प्लीज मेक दैट चेंज. टीबी इज टीए माइनस 1.5. 150 नहीं हो सकता, ज्यादा है. वेल टीबी इज दिस इफ De Broglie वेवलेंथ. अच्छा, De Broglie वेवलेंथ का भी रिश्ता है.
lambda b is twice lambda a. ओके क्या चाहिए, वर्क फंक्शन चेक करना है ए का बी का, फिर टीए चेक करना है, फिर ऑल ऑफ द अबव है, लेट अस सी व्हाट वर्क्स आउट. अच्छा भाई आइंस्टाइन का इक्वेशन यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन. काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी माइनस फाइव, सो फॉर ए काइनेटिक एनर्जी ए इज एनर्जी ए माइनस फाइव ए, सबका अलग अलग फाइव सेम नहीं है, कितना है काइनेटिक एनर्जी ए टी ए और ई ए कितना है फोर माइनस फाइव ए. दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन. एंड के ई बी इज एनर्जी बी माइनस फाइव बी, सो हाउ मच इज काइनेटिक एनर्जी बी टी बी, हाउ मच इज ई बी 4.5 माइनस फाइव बी. बट लेडीज एंड जेंटलमैन देयर इज अ बिग बट, क्या है टी बी दिया हुआ है टी ए के फॉर्म में, बट टी बी इज टी ए माइनस 1.5. डू यू अग्री, टी ए की जगह मैं 4 माइनस फाइव ए लगा सकता हूं, फाइव ए नहीं फाइव ए, सो पुट टी ए इज 4 माइनस फाइव ए, सो 4 माइनस फाइव ए माइनस 1.5 is 4.5 minus 5b. तो ये माइनस फाइव बी ठा करके इधर ले आता हूं, तो लग जाएगा लेसन में ठा करके. एंड 4 माइनस 1.5 इज 2.5, 4.5 माइनस 2.5 कर लेता हूं, कितना हो जाएगा, तो मेरे को 5b माइनस 5a का इक्वेशन आया. सर अब भजन करेंगे और क्या करेंगे, लैम्बडा दिया हुआ ना, लैम्बडा नो यू ऑल्सो भाई, लैम्बडा ए इज एच बाय एम वी ए एंड लैम्बडा बी इज एच बाय एम वी बी. लैम्बडा बी इज ट्वाइस लैम्बडा ए, लेट अस सी लैम्बडा बी, लैम्बडा 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 बी एच बाय एम वी बी ए. पर मैं वेलोसिटी को क्यों कंपेयर कर रहा हूं, मैं सीधा काइनेटिक एनर्जी को कंपेयर कर सकता हूं ना. जैसे यू रिमेंबर एच बाय रूट ऑफ टू एम के, आहा, और वो कितना होगा टी ए, टू एम टी ए. एंड यहां पे क्या बात है सरकार, एकदम चकाचक. अचानक याद है कि काइनेटिक एनर्जी सीधा तो लग सकता है, क्या दिक्कत क्या है, कहां गया, टू एम टी बी इज ट्वाइस एच बाय रूट ऑफ टू एम टी ए, एच बाय टू एम, एच बाय टू एम कट, लेट अस स्क्वायर बोथ साइड्स यार, उसके बगैर तो काम नहीं होने वाला. वन बाय टी बी इज फोर बाय टी ए, सो टी ए इज चार गुना टी बी. हमारे पास टी ए और टी बी का भी कुछ एक्सप्रेशन है, टी बी इज टी ए माइनस 1.5. तो फोर टी ए माइनस सिक्स, और ये जो है ये माइनस सिक्स इस तरफ आ जाएगा, सिक्स फोर टी ए माइनस टी ए थ्री टी ए. लेडीज एंड जेंटलमैन टी ए मिल गया है टू ई वी, एंड टी ए मिल गया तो टी बी भी मिल जाएगा ना, टी ए माइनस 1.5, टू माइनस 1.5 पॉइंट फाइव, टी बी आप एक एक करके वो चेक करते जाओ क्या है क्या नहीं करके. अच्छा अब यहां से फाइव ए भी मिलेगा, छोड़ना फाइव, फाइव बी माइनस फाइव ए फुकट में निकाला, कोई जरूरत ही नहीं थी, यहीं से हो जाता था काम. तो फाइव ए इज फोर माइनस टी ए, फोर माइनस टी ए, टी ए कितना है टू, फोर माइनस टू टू ई वी, एंड फाइव बी, फाइव बी इज 4.5 माइनस टी बी, TV है मेरे पास 0.5, 4.5 माइनस 0.5 4 EV. चल बेटा सब कुछ मिल गया है, अब एक एक करके ऑप्शन चेक करना शुरू कर. ऑप्शन ए वर्क फंक्शन ऑफ ए इज 1.5 EV, वर्क फंक्शन ऑफ ए इज 1.5 इल्ले रॉन्ग. बी वर्क फंक्शन ऑफ बी इज 4 EV, वर्क फंक्शन ऑफ बी इज 4 EV, यस बी इज राइट. सी TA इज 2 EV, TA इज 2 EV राइट. एंड डी ऑल ऑफ द अबव रॉन्ग. सो बी एंड सी नहीं, हाँ बी एंड सी मुझे राइट लग रहा है, सो ऑप्शंस बी एंड सी
आर करेक्ट। ऑलराइट, सो ड्यूअल नेचर एक लेक्चर में ही उड़ा दिया, छोटा सा चैप्टर था ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम एटम शुरू कर सके। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में इसका होमवर्क है, आई वुड लाइक यू टू डू दी होमवर्क। ऑलराइट, सो नेक्स्ट टाइम मिले, तब तक स्टे सेफ, बाय बाय।